देवास जिले की हाट पिपलिया पुलिस ने अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मकान बंटवारे को लेकर हुए विवाद में नाबालिग को मौत के घाट उतारकर फरार हो गया था। हाट पिपलिया नगर में श्रीराम कॉलोनी के रहने वाले संतोष माली के पुत्र का शव 28 मई को शाम को संदिग्ध अवस्था में मिला, जिसकी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग के पिता संतोष द्वारा अपने सगे भाई पूनम चंद सीता लक्ष्मण को पैतृक मकान के बंटवारे के 5 लाख रुपए नहीं दिए जाने को लेकर आरोपी ने घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। वर्षीय नाबालिग बालक की लाश उसके घर से कुछ दूर हाटपिपलिया में श्रीराम नगर में पाई गई है, जिसको परिजन इलाज के लिए अस्पताल लेकर के आ गए थे। सूचना पर थाने पर मर्ग कायम किया गया। प्रथम दृष्टिया ऐसा लग रहा था कि बालक के साथ कुछ अनहोनी हुई है। उसी तारतम्य में पीएम के पश्चात डॉक्टर से तत्काल पीएम रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसमें उन्होंने इस बात की पुष्टि करी कि उसका गला घोट करके हत्या की गई है। इस आधार पर थाना हाटपिपलिया पर अपराध हत्या का कायम करके विवेचना में लिया गया। चापड़ा से लोकेश राजपूत की रिपोर्ट।